सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लश गेमिंग। और आखिरकार जिस चीज़ की मेरे को 4 या 5 महीनों से इंतज़ार था, वो चीज़ की न्यूज़ अपडेट आ गई है। फाइनली फायरलाइट 84 का जो नेक्स्ट टेस्ट वर्जन आने वाला है, जिसको बीटा टेस्टिंग वर्जन बोलते हैं, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये पबजी मोबाइल इंडिया जैसा नहीं है, कमिंग सून नहीं है। ये आने वाला है अपना 15 मई को। तो 15 मई को आने वाला है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल कुत्तों की तरह वेट कर रहा था इसके पीछे, क्योंकि जो लोग शायद से मेरे से स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं इस चैनल में, फर्स्ट वीडियो से, उनको मालूम होगा कि ये जो चैनल है, ये मैंने फायरलाइट 84 एक्सक्लूसिव चैनल बनाया था। लेकिन मेरे चैनल बनाने के 3-4 वीडियोस बनाने के बाद ही फायरलाइट 84 की जो टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग थी, वो बंद हो गई। इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया और कुछ फाइल्स जो थी मेरी, वो डिलीट हो गई। तो मेरे 3-4 वीडियोस वैसे ही कम हो गए थे, तो मेरे को मजबूरन पबजी मोबाइल पे शिफ्ट होना पड़ गया, गेम फॉर पीस पे शिफ्ट होना पड़ गया। प्राइमरीली मेरा मेन टारगेट था फायरलाइट 84 का कॉन्टेंट बनाना इस पर, जो कि मैं अब जब आने वाला है नया वर्जन, टेस्ट वर्जन इसका नया लॉन्च होने वाला है, तो भाई हर दिन वीडियो डलेगी फायरलाइट 84 की, दबा के गेम प्लेज होंगे, लाइव भी होगा, ये गेम लाइव भी जाएंगे, गेम प्ले भी होगा, सब कुछ होगा। फायरलाइट 84 जब तक टेस्टिंग वर्जन में रहेगा, उसका कंटेंट बराबर हिस्से में आता रहेगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि यार बीटा टेस्टिंग के बारे में भी, जो फायरलाइट 84 है और जो ललित गेम्स है, इनके जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक पोस्ट जारी की थी अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट पर, और उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो स्क्रीनशॉट है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस और उन आंसर्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको सारे फीचर्स का पता चल जाएगा जो नई टेस्टिंग आने वाली है, बीटा टेस्टिंग, उसमें आपको फायरलाइट 84 के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल पूछने को आ जाता है कि यार ये जो गेम लॉन्च होने वाला है, ये किस प्लेटफॉर्म पर आएगा और क्या क्या इसमें सपोर्ट करेंगे। तो यार इन्होंने इसका सिंपल सा आंसर दिया है कि यार यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के लिए ये बीटा टेस्टिंग आने वाली है। अभी के लिए इन्होंने ऐसा बोला है कि यार पीसी और आईओएस के लिए नहीं आया है, फ्यूचर में इसके ऊपर भी आएंगे गेम्स, लेकिन अभी एक्चुअली में सीन ये होता है कि आईओएस के लिए उनको कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है आईओएस में आने के लिए। तो ऑफिशियली गेम तो लॉन्च होगा आईओएस के लिए, पर जो अभी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होगी 15 मई से, उसमें आईओएस कवर नहीं है और पीसी भी कवर नहीं है। फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं कि यार ये जो अपना गेम है, वो किन किन कंट्रीज़ में आने वाला है। तो इसका इन्होंने आंसर दिया है कि ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये आने वाला है। और वहीं की जो लैंग्वेजेस होती हैं, रशियन, ब्राज़ीलियन, पुर्तगेज़ वगैरह, जो जो भी लैंग्वेजेस इन कंट्रीज़ में यूज़ होती है, उन लैंग्वेजेस में इस गेम का इंटरफेस अवेलेबल होगा। तो यार आपको इस चीज़ की तो टेंशन रहने नहीं चाहिए कि यार इसका इंटरफेस जो रहेगा बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होगी वो आपकी लोकल लैंग्वेजेस ही होगी, और इंग्लिश तो है ही अपने पास। और वहीं बात करें तो यार चौथे क्वेश्चन में इन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया है कि गेम कब रिलीज़ होने वाला है। तो देखो यार, गेम रिलीज़ होने वाला है बाद में, लेकिन इसका जो टेस्टिंग वर्जन है वो होने वाला है 15 मई को। जाते हैं उन दो मेन पॉइंट्स के बारे में जो आप सभी को पता होना चाहिए। पहला कि आप इसमें कैसे लॉगिन और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरा इस गेम को खेलने के लिए आपके मोबाइल में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। यार इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है कि अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है, तो मेन रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही है, आपको इन रीजन्स में होना चाहिए, और आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे आप प्री रजिस्टर करवा रहे थे बीच में, और कई लोगों ने इसको टैप टैप पे प्री रजिस्टर किया था, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि आप इसकी APK फाइल का यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आपने किसी और यूट्यूबर के द्वारा प्रोवाइडेड की गई APK फाइल का यूज़ किया, तो आपके ग्राफिक्स बहुत बेकार हो जाएंगे, और आपके ग्राफिक्स तो बेकार होंगे ही होंगे, और इसके साथ आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस गेम चलाने की, वो बिगड़ जाएगी। तो यार इन्होंने रेकमेंड किया है कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करें और दूसरे सोर्सेस पर ना जाएं, अगर आपको एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें आपके मोबाइल के अंदर प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, तो इन्होंने बोला है कि जो हेलियो X30 होता है या फिर किरिन 710F होता है,
जो कि थोड़े से लाइट प्रोसेसर होते हैं और जिन मोबाइल में 2GB रैम होती हैं और एंड्रॉयड वर्जन 6 से ऊपर है उनमें ये गेम रन कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है भाई, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि यार पबजी के जो गेम में मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले फ़ोन से खेलो तो गेम के साथ साथ मोबाइल की भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो यार ये थोड़ा सा हैवी गेम रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है जैसे कि पबजी न्यू स्टेट है, उसमें बहुत ज़्यादा रैम प्रोसेसर सब कुछ पीक पर होना चाहिए था तब जाके वो चलेगा। वहीं आपको अगर इसमें ऑप्टिमम लेवल पर गेम को रन करना है, बिल्कुल स्मूथ रन करना है, अच्छी परफॉर्मेंस पे रन करना है, तो आपको इसके रिकमेंडेड प्रोसेसर्स पर जाना होगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर स्नैपड्रैगन 835 है, 4GB रैम है और एंड्रॉयड वर्जन 7 के ऊपर है तो आप इसको बिल्कुल अल्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर अच्छे से रन कर सकते हो। लेकिन आप इसको लो ग्राफिक्स में ही रन करना अगर आपको आपके गेम की परफॉर्मेंस लेस लैग वाली चाहिए हो। तो अगर ज़्यादा ग्राफिक्स रखोगे तो फ्रेम रेट गिरेंगी, कम ग्राफिक्स में फ्रेम रेट अच्छी आएगी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था। क्योंकि जो इसका पिछला टेस्ट वर्जन आया था वो मेरे इसमें बिल्कुल अल्ट्रा बेस्ट ग्राफिक्स में चलता था। आप देख सकते हो जो गेम प्ले है ये बिल्कुल अल्ट्रा ग्राफिक्स का गेम प्ले है, ये जो टीवी पे चल रहा है ये बिल्कुल अल्ट्रा ग्राफिक्स में चलाया हुआ था। और आप देख सकते हो किसी भी तरीके का फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि यार मेरे पास फ़ोन ही एसुस आरओजी है। और इसी वीडियो में आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस की कितने फ्रेम रेट्स पे वर्क करता है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट कितना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिख जाएगा देखने को। तो यार इस वीडियो को भी देखते रहना और मेरी बातों को भी सुनते रहना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अब हम हमारे आगे के सवालों पर बढ़ते हैं कि क्या गेम के जो डेटा है जो आपने प्रोग्रेस करी है बीटा टेस्टिंग वर्जन में वो टेस्टिंग के बाद वाइप आउट हो जाएगी क्या? तो इन्होंने बोला है कि ज़्यादा चांसेस तो इसी चीज़ के हैं कि आपकी जो डेटा या जो प्रोग्रेस है गेम में वो वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पिछले टेस्ट वर्जन में भी ऐसा बोला था और उसके बाद डेटा वाइप कर दिया था। और अभी जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, आपने कहीं से भी इसको कनेक्ट करा होगा तो। और वहीं बात करें दूसरी चीज़ों की, तो लोगों ने पूछा है कि क्या आप इसको एम्यूलेटर पे वर्क कर पाओगे, तो इनका जवाब था भाई नहीं, डायनामो भैया के एम्यूलेटर पे ये नहीं चलेगा। अगर आपको ये गेम खेलना है तो आपको मोबाइल चाहिए और मोबाइल के साथ साथ ही आपको वो एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, iOS मोबाइल और विंडोज़ मोबाइल, अगर तुम लोग इस्तेमाल अभी भी करते हो विंडोज़ मोबाइल को, तो तुम विंडोज़ मोबाइल में भी इसको नहीं चला पाओगे, ना iOS पे चला पाओगे, ना इसको एम्यूलेटर पे चला पाओगे। वहीं अगर बात करें तो एक और सवाल पूछा था कि बहुत ही बेकार सवाल था हालांकि, कि इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कि मेरे भाई ये बैटल रॉयल मल्टीप्लेयर गेम है, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर बिना इंटरनेट के बैटल रॉयल मल्टीप्लेयर हो जाए मिनी मिलिशिया के अलावा, उस टाइप का गेम नहीं है ये, तो बहुत ही अच्छी बात होती। लेकिन सिंस ये उस टाइप का गेम नहीं है, ये है बिल्कुल अपने पबजी और अपना वो क्या होता है वो बिल्डिंग बनाने वाला गेम, अच्छा नाम था यार उसका, कुछ तो नाम था, उसमें खूब बिल्डिंग बनाते थे, ऊपर चढ़ जाते थे, मेरे को कमेंट में बताना यार उस गेम का नाम क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और उस टाइप का गेम है ये और इसके ग्राफिक्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, बैटल रॉयल है और फ्री फायर से तो ये अच्छा ही गेम है मेरी नज़रों में। वहीं पे अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लोगों ने पूछा है कि क्या हम इसमें रियल मनी का यूज़ कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने बोला है कि यार बीटा टेस्टिंग वर्जन में तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफिक्स टेस्ट करने के लिए है, कोई पेमेंट मेथड अभी तक गेम में ऐड नहीं हुआ है। पेमेंट मेथड तभी ऐड हो सकता है जब आपका गेम जो है एक डोमेन पर रजिस्टर हो जाता है और उसी डोमेन के थ्रू आपकी पेमेंट होती है। तो सिंस अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो अभी आपको कोई भी पेमेंट ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है इस गेम में। तो जैसे कि जो रॉयल पास जैसे जो फीचर्स हैं, रॉयल पास हो गया या एलीट पास हो गया या कोई सा कार्ड वगैरह, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी इसमें। फ्यूचर में हो सकता है ऐसा देखने को मिले, वो तो देखने को मिलेगा, बाकी अभी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो यार ये थे कुछ सवाल जो उन्होंने जिसके जवाब दिए हैं और एडिशनली उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। मैं इनको 4 या 5 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, तो इन्होंने बोला है कि इसके अंदर जायरोस्कोप को ऐड किया है जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा एडिशन है। हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये उस टाइप का गेम नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा जायरोस्कोप की ज़रूरत पड़े।
ये थोड़ा सा वो एक गेम है ना जिसमें अपन बिल्डिंग बनाते थे, जो मैं कमेंट करने की बोला हूँ उस टाइप का गेम है, तो उसमें जायरोस्कोप की ज़्यादा मदद पड़ती नहीं है। और वहीं आप इसको 2-3 फिंगर्स में भी अच्छे से खेल सकते हो, आपको कोई क्लॉ लॉ सीखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके अंदर हैकर्स नहीं होते हैं, और इसके अंदर अभी इन्होंने अपडेट में बताया है कि बॉट्स को इंट्रोड्यूस किया है। पहले होता था कि यार आप कैप्सूल में बैठोगे, 40 के 40 बंदे होते थे और मैचिंग थोड़ी लेट लगती थी, तो अब यहाँ पे मैचिंग भी जल्दी लग जाएगी और आपको क्या बोलते हैं रियलिस्टिक गेम प्ले प्लस बॉट्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं जहाँ आप गेम की स्क्रीन पे देख सकते हो कि यार कुछ कैरेक्टर्स और कुछ गन्स और कुछ व्हीकल्स आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन अभी और भी ज़्यादा व्हीकल्स को ऐड किया गया है, व्हीकल्स की कंपनी ऐड करी गई है, और कुछ एक या दो कैरेक्टर मेरे ख्याल से ऐड किए हैं जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और ये कोई सी यूरोप की कंट्री के ऊपर इसकी थीम इंस्पायर्ड है। तो यार गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ज़रूर इंस्टॉल करना मेरी मानो तो। और अगर आपको इस गेम से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कुछ पूछना है या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये इंस्टॉल करने का लिंक ऑप्शन नहीं आता है तो भी आप मेरे को बता देना, मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है एक इंस्टॉल करने का, वो मैं उसके ऊपर अगली वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। और अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि गेम के अंदर क्या क्या डेटा है और क्या क्या इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उसके लिए आप फारलाइट 84 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। मैं उस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इनके आप डिस्कॉर्ड सर्वर को भी चेक कर सकते हो। आप डिस्कॉर्ड सर्वर की भी लिंक आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको मेरे साथ खेलना है ये गेम तो आप मेरे को ऐड कर लेना, मैं आपको जैसे ही ये गेम के बारे में कुछ भी नया फीचर्स अपडेट वगैरह आएगा मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बना दूँगा। और बस इतना ही यार, और करके मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, और इसके अंदर के जो व्हीकल्स वगैरह जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सब के भी आप डिटेल्स देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया गेम है ये, मैं तो खेलने वाला हूँ भाई, दबा के वीडियोस आएंगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस बार मैं पिछली बार तो धोखे में रह गया था कि इसकी बीटा टेस्टिंग लंबी चलेगी, मैंने सोचा कि यार 10-12 दिन का टाइम मिल जाएगा बढ़िया, लेकिन ये शायद 1 हफ्ते भी नहीं चला था। अब ये टेस्टिंग थोड़ी सी लंबी रहेगी और इसके अंदर थोड़े से जो बग्स और ग्लिचेस हैं वो कम हो जाएंगे, पहले के उसमें थोड़े से बग्स आ रहे थे, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही थी, तो होपफुली वो इस टेस्ट वर्जन में सही हो चुकी होगी और हमको अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा। और बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और अगर आप भी इस गेम का वेट कर रहे हो तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो और फारलाइट 84 के कॉन्टेंट से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब कर दो, 100 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे और खुश हो जाएगा तुम्हारा भाई, और खुश हो जाएगा तो तुम्हारा भाई गिव अवे करता है जब खुश हो जाता है। तो बस पबजी में गिव अवे और फारलाइट 84 जब आएगा तो उसमें भी अगर आपको गिव अवेज चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई के, जल्दी से जल्दी 1000 करवा दो यार, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, कुछ भी करके मैं बिल्कुल पागलों की तरह लगा हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।